ब्रिटेन में करीब 10 साल पहले एक लड़की की ज्यादा च्युइंगम खाने से मौत हो गई, लेकिन इस घटना के सालों बाद भी लड़की की मां को अपनी बेटी की याद आती रहती है। यही वजह है कि उन्होंने सभी लोगों को चेतावनी देते हुए कहा है कि वे च्युइंगम खाने से परहेज करें। साउथ वेल्स के फेलिंग फोइल की रहने वाली 19 वर्षीय सामंथा जेनकिंग्स की जून 2011 में अचानक मौत हो गई थी। मरने से पहले जेनकिंग्स ने पेट में दर्द की शिकायत की। हालांकि सामंथा तुरंत गिर पड़ी और कोमा में चली गई थी। इसके बाद उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों को लगा कि उसे जहर दिया गया है। हालांकि शव परीक्षण में उसके पेट में च्युइंगम के 4 या 5 चमकीले हरे गांठ का पता चला। वहीं एक जांचकर्ता ने बताया है कि सामंथा की अचानक हुई मौत के पीछे च्युइंगम का हाथ हो सकता है। सामंथा की मृत्यु के 10 साल बाद उसकी मां मारिया मॉर्गन ने इस भयावह घटना को याद किया और अपनी बेटी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, मुझे याद है जैसे कल ही बात हो। मैं रसोई में चाय बना रही थी। मारिया मॉर्गन ने बताया है कि सामंथा को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे कोमा में रख दिया गया और वो फिर कभी उठ नहीं पाई। डॉक्टरों ने हमसे कहा कि उसे जहर दिया गया है। एक दिन मेरी दूसरी बेटी ने बताया कि सामंथा बहुत ज्यादा च्युइंगम खाती थी। इसकी जानकारी मैंने जांचकर्ताओं को दी। वहीं जब परिवार ने सामंथा का कमरा चेक किया तो उन्हें दर्जनों च्युइंगम के पैकेट और बॉक्स मिले। इससे पता चला कि सामंथा हर रोज च्युइंगम खाती थी। दूसरी ओर जब मारिया ने च्युइंगम पर रिसर्च किया तो वो जानकर डर गई कि इसमें खतरनाक एस्पार्टम और सोर्बिटोल मौजूद होता है, जो शरीर के सॉल्ट को काफी कम कर देता है। मारिया ने बताया कि जांचकर्ता ने सीधे तौर पर ये नहीं माना है कि सामंथा की मौत च्युइंगम की वजह से हुई है, लेकिन मौत के पीछे कहीं ना कहीं च्युइंगम का हाथ जरूर है। ऐसे में ये कहानी उन सभी लोगों के लिए एक सबक है जो बड़ी मात्रा में च्युइंगम खाते हैं। इस खबर को लेकर अगर आपकी कोई राय है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।